नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, केएल राहुल ने एक ही हाथ से मारा आईपीएल इतिहास का सबसे लंबा छक्का, जिसने भी देखा उड़ गए होश। जी हाँ, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे केएल राहुल ने दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से इतना लंबा छक्का जड़ दिया, जिसे देखने के बाद तो हर कोई हैरान रह गया, सभी परेशान हो गए और किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि केएल राहुल इतना लंबा छक्का सिर्फ एक हाथ से मार सकते हैं। दोस्तों, आज का जो मुकाबला रहा वो बेहद ही इंटरेस्टिंग मुकाबला रहा। जी हाँ, जिसने भी इस मुकाबले को देखा हर कोई यकीनन खुश नजर आया और सभी ने केएल राहुल की बल्लेबाजी की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। सभी का मानना है कि केएल राहुल ही इस तरह की खास बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज का मुकाबला कैसा रहा और उसके बाद बात करेंगे कि कैसे केएल राहुल ने एक ही हाथ से इतना लंबा छक्का जड़ दिया, जिसे देखने के बाद दोस्तों हर कोई हैरान है। जी हाँ, आपको बता दें लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में आज दोस्तों एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां पर हमारी सारी की सारी उम्मीदें अगर किसी से थी तो वो केएल राहुल ही थे दोस्तों, क्योंकि आज लखनऊ की टीम को जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब लखनऊ की टीम लगभग प्लेऑफ की रेस में बहुत आगे निकल चुकी है और एक मुकाबला जीतते ही पूरी तरह से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। लेकिन ये प्लेऑफ का रास्ता इतना भी आसान नहीं रहा और जिस तरह से दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मुकाबले को जीता है, उसमें केएल राहुल का बहुत बड़ा योगदान रहा। जी हाँ, आपको बता दें आज केएल राहुल ने एक बेहद ही शानदार पारी खेली और उन्होंने दिखा दिया कि वो किस तरह के बल्लेबाज हैं। इसके अलावा जो केएल राहुल ने दोस्तों एक ही हाथ से बहुत लंबा छक्का जड़ा, उसे तो जिसने भी देखा हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि केएल राहुल एक हाथ से भी इतना लंबा छक्का जड़ सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे केएल राहुल ने ललित यादव की गेंद पर एक ही हाथ से छक्का जड़ दिया। जी हाँ, आपको बता दें केएल राहुल ने दोस्तों ललित यादव के चौथे ओवर में ही बहुत ही शानदार छक्का जड़ा और जिस टाइम पर ललित यादव चौथा ओवर फेंकने आए थे उस टाइम पर केएल राहुल उनके सामने थे और केएल राहुल ने बेहद ही शानदार अंदाज में एक हाथ छोड़कर ही बहुत लंबा छक्का जड़ा और बॉल सीधे बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी, जिसे देखने के बाद हर कोई दंग रह गया। और दोस्तों, ये छक्का कोई छोटा मोटा छक्का नहीं था बल्कि 91 मीटर का था। जरा सोचिए, जो खिलाड़ी एक हाथ से 91 मीटर का छक्का जड़ सकता है तो अगर दोनों हाथ लगाया होता तो कितना लंबा छक्का होता। अगर बात करें मुकाबले की तो आज लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से केएल राहुल ने बहुत ही शानदार कप्तानी पारी खेली 77 रनों की और इसका नतीजा ये रहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 195 रनों जैसा पहाड़ जैसा टारगेट सेट कर दिया। और दोस्तों, इसका नतीजा ये निकला कि दिल्ली कैपिटल को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, सर्वाइव करना पड़ा और दिल्ली कैपिटल की टीम देखते ही देखते इस मुकाबले में केएल राहुल की बेहतर बल्लेबाजी और फिर बाद में बेहतर कप्तानी की वजह से हार गई है और दिल्ली कैपिटल को हार का सामना करना पड़ा है और दिल्ली कैपिटल को केएल राहुल ने धूल चटा दी है और ऋषभ पंत को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन सभी की नज़रें केएल राहुल के इस एक हाथ से मारे हुए छक्के पर गई। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।